आज पंजाब सरकार ने एक शाही फरमान ऐलानिया हैगा कैप्टन साहब ने कि बठिंडा वे जिहड़ा कैंसर ते डायग्नोस्टिक सेंटर हैगा उनू बंद करके एक कोविड वार्ड च बदलिया जाऊगा। मैं समझदी हां कि ए सरासर बेइंसाफी ही नहीं लेकिन एक तरीके तो जिहड़े हजारा कैंसर दे पेशेंट जिन्हां दे वास्ते ए एक लाइफलाइन हैगी एक जीवन देन दा स्रोत है उन्हां नूं मौत दे मुंह च धक्कण दा काम ए फैसला हैगा। जिथे पिछले इन्ने समय तो इस पूरे इलाके च कैंसर दी कोई फैसिलिटी नहीं सी, तीजी बारी एमपी होण दे नाते पहली बारी जद मैं बनी ते इस कैंसर इंस्टीट्यूट नूं बनाण वास्ते बादल साहब ने बहुत वड्डा उपराला कीता ते अज हर रोज इस कैंसर इंस्टीट्यूट च घट तो घट 150-200 लोकी ओपीडी तो इथों इलाज लैंदे ने। 5-10 वड्डे कैंसर दे सीरियस जिहड़े ऑपरेशन्स हुंदे ने सर्जरीज हुंदी है इस हस्पताल च हुंदे ने ते पूरे मालवे च ही नहीं लेकिन अज दी तरीक वे जिथे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नूं भी कोविड सेंटर च बदल दिता गया है। कैंसर एक्सप्रेस जिहड़ी बीकानेर जांदी सी ओह ट्रेन भी बंद हो गई है। ए एक लौती फैसिलिटी है उन्हां हजारा कैंसर दे मरीजा वास्ते जिहड़ा इस भयानक बीमारी दे नाल ओह पेशेंट नहीं उहदा पूरा परिवार जूझ रहा है, छोटे छोटे बच्चों तो लैके बुजुर्गों वास्ते आ एक लौती एक फैसिलिटी हैगी इस पूरे इलाके च जिथे ओह जाके अपना इलाज करांदे। की थानू पता है 2.5 महीने की वेट लिस्ट हैगी इथे, हर रोज 200 बंदे एक महीने च 2-3 हजार तो वध लोकी इथों इलाज लैके जांदे ने ते अज ये शाही फरमान कि इनू बंद करके कोविड का हस्पताल बना दिता जाए। ये कैंसर के लोग कित्थे जान, घर च बह के मरण की तैयारी करन। कैप्टन साहब का बयान मैं सुनिया कि जाके सिविल हस्पताल च इलाज करा सकते। कैप्टन साहब जिहड़ी रेडियोथेरेपी हुंदी है जे ए रेडियोथेरेपी का जिहड़ा इलाज इत्थे चलता है कि थानू पता है कि यह मशीन उठा के किते होर लैके नहीं जाए जा सकती। माड़ा जा भी रेडियो एक्टिव इनग्रीडियंट जे लीक हो गया पूरा बठिंडा शहर तबाह हो सकता है। ते जे रेडियोग्राफी इन्हों रेडियोथेरेपी नहीं मिल सकती हैगी, रेडियोलॉजी नहीं मिल सकती हैगी ते की जाके इलाज करांगे सिविल हस्पताल च? की सिविल हस्पताल बठिंडा विच कैंसर दे डॉक्टर हैगे? अज थोड़े केड़े हस्पताल च कैंसर दे डॉक्टर ने? ते जिहड़ा इकलौता हस्पताल असीं बनाया कैंसर दे डॉक्टरां दे नाल जिहड़ा बखूबी काम करके लोकां दी जाना बचा रहे ने रोज, तुसीं उहनां नूं कोविड दे डॉक्टर बनाना चाहुंदे हो? अज मैं हथ बन के थानू अपील करदी हां कि आही फैसला तुसीं पिछले साल भी कोविड दे टाइम च लिता सी लॉकडाउन दे तां भी थानू हथ बन के रुकवाया सीगा। हुण भी डीसी नाल गल कीती है तां थानू एक बार फिर पत्र भी लिख रही हां, अपील भी कर रही हां, कोविड दे पेशेंट बचाण दे चक्कर च जिहड़े अगे ही मौत दे नाल लड़ रहे ने कैंसर दे पेशा हजारां दी गिनती, इन्हां नूं मौत दे मूचे ना तको। थोड़ा कैंसर कोविड सेंटर बनाने वास्ते बठिंडा एम्स वर्गा वड्डा हस्पताल है, उत्थे नर्सिस दा पूरा होस्टल तैयार पिया है, बच्चियां दा होस्टल तैयार पिया, पूरा आयुर्वेद सेंटर, कई बिल्डिंगां बिल्कुल तैयार पईआं ने। एक बारी तुसीं उत्थे डायरेक्टर डॉक्टर डीके सिंह नाल गल तां करो, 500 बंदिया का कोविड का बेड रातों रात तैयार हो सकता है, बिल्डिंगा बिल्कुल तैयार है, सारी फैसिलिटीज तैयार है, तुसी उन्हों छड़ के कैंसर के हस्पताल नू बंद करके उन्हों कोविड सेंटर बना रहे हो? कुछ तो सोचो, फार्म हाउस चो निकल के लोका नाल गल करो, पता नहीं केड़े अफसर थानू की सलाह देंदे ने, उत्थे दे डॉक्टर नाल गल करो कैंसर के हस्पताल, फोन चक के 5 मरीजा नाल गल करो, पुछो उन्होंने कित्थे जाणगे, उन्हां दे परिवार दे की हालात हो रहे ने, दिन रात फोन आ रहे ने। अज मैं थानू अपील कर दिया जे थानू नहीं मिल रहा कि असी कोविड सेंटर किथे बनाईए, मैं थानू सजा देनी आ तुसी एम्स च बनाओ, बथेरी जगह हैगी, तुसी कुद्दा हस्पताल च बना लो, होर कुछ नहीं तुसी कोई मैरिज पैलेस ले लो, नहीं तो असी अपने कॉलेजेस थानू देन नू तैयार है, तुसी जिन्ने मर्जी बेड लगा के तुसी टेक ओवर करो, असी थोड़ी पूरी मदद करांगे। लेकिन कैंसर दे हस्पताल नू बंद करके एक तरीके नाल कोविड दे मरीजां नू बचाण वास्ते कैंसर दे मरीजां नू मारना, इह सरासर बेइंसाफी नहीं? लेकिन थोड़े उत्ते एक भी कैंसर का मरीज जी जान जाती है वह सीधे सरासर थोड़े सिर पर मरिया जाऊगा कि तुसी ये जान लेती है।